जहां एक तरफ देश में पश्चिमी देशों की तर्ज पर देर रात तक शराब कबाब के साथ 1 जनवरी को नए साल के शुरुआत का चरण बढ़ते जा रहा है, जिससे संस्कृति को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ देर रात तक होने वाली पार्टियों के बाद जब युवा नशे में घर जाते हैं तो 1 जनवरी को सुबह हर वर्ष देश भर में दुर्घटनाओं के हादसों की खबरें आती रहती हैं, जिससे जानमाल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ परिवारों के लिए नया साल एक बुरी खबर लेकर आता है। इसके विपरीत पिपरिया में युवाओं के संकल्प फाउंडेशन द्वारा नए साल की शुरुआत मैराथन के साथ की जाती है, जिससे नई ऊर्जा के साथ युवाओं के लिए नए साल की सौगात नई ऊर्जा के साथ होती है। इस नववर्ष पर भी संकल्प फाउंडेशन एवं पूर्व सैनिक एसोसिएशन के नेतृत्व में 1 जनवरी को सुबह 24 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ में सैकड़ों युवा भाग लेंगे। मैराथन दौड़ पचमढ़ी रोड से प्रारंभ होगी। मटकुली के आगे दैनवा पुल पर दौड़ का समापन किया जाएगा। इस दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश देना तथा युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने से रोकना है। निःशुल्क कोचिंग का संचालन करने वाले निरंजन वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल युवा वर्ग में जश्न और पार्टी का ज्यादा बोलबाला है। 31 दिसंबर व 1 जनवरी की रात युवा देर रात तक पार्टियों में डूबे रहते हैं। संकल्प फाउंडेशन द्वारा इसी कारण ये मैराथन दौड़ प्रति वर्ष आयोजित करने का फैसला किया है। प्रातः 5 बजे हिस्सा लेने वाले युवा यथास्थान पहुंचेंगे। दौड़ में युवाओं के साथ पहली बार लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। साथ ही 40 वर्ष से ज्यादा के पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। प्रतिदिन शहर व आसपास दौड़ लगाकर तैयारियों में युवा जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पिपरिया में संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक निरंजन वैष्णव द्वारा विगत 4 वर्षों से युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके द्वारा न सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि निःशुल्क लिखित परीक्षाओं की तैयारी भी स्वयं के निवास स्थान पर की जाती है। श्री वैष्णव द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये कार्य समाज सेवा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सैनिक को ये सिखाया जाता है कि वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दे। सेना में सर्विस के दौरान उन्होंने सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। देश की सेवा पूरी ईमानदारी और कर्मठता से की। सेना में रहते हुए 18 वर्ष तक मैंने अपना जीवन देश की सेवा में लगाया। सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा की। अब बचा हुआ जीवन देश के युवाओं के जीवन सवारने में लगाऊंगा। श्री वैष्णव अपने रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से युवाओं के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का लाभ लेकर विगत 4 वर्षों में 25 से ज्यादा युवा शासकीय नौकरियों में अभी लग चुके हैं। नौकरी लगने के बाद युवाओं के दिल में संस्था के प्रति और देश के प्रति एक नई सोच पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ इन परिवारों के घरों में भी खुशहाली है। निश्चित तौर पर संकल्प फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा पूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे प्रयास शहर के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।